अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो आज तक न्यूज़ पाकिस्तान ते मैं जी तुहाडा मेज़बान चौधरी वकार ममदाणा। अज असीं मौजूद हां जिला मंडी बाउद्दीन की तहसील फालिया के नवाई गाँव सैदा शरीफ के। पिछले कुछ दिन तुसी वेख रहे हो महंगाई जिहड़ी है जोरों शोर से जा रही है। महंगाई के अज खिलाफ जमात इस्लामी वाले एहतजाज किया है, उन्होंने कोई सवाल पूछा ने कि तुसी कि चीज़ के खिलाफ एहतजाज कर रहे हो, कि चीज़ के खिलाफ हो रहा है, बिजली के खिलाफ है या बिलों के खिलाफ है या उन जी बेरोजगारी बद गई उनके खिलाफ है। चले चल के इन अगे आवाम अगे सवाल कर दें। आ जाओ। जमात इस्लामी आवाम बाहर निकली है, जमात इस्लामी का बड़ा वड्डा कदम है। इस जमात इस्लामी बारे की आखना चाहते हो? जामी इस्लामी जी बहुत अच्छी जमात है, सारे मिल जुल के रहना चाहिए कठिया। मसलन पेट्रोल जरा फिर बढ़ गया 307 रुपये हो गया, इन्हें बारे तुसी की आखना चाहिए? पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, डीजल सस्ता होना चाहिए, किराया सस्ता होना चाहिए, क्योंकि आवाम बहुत जलील हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल है? जिस तरह जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान इत्तेजाज कर रही है, इस तरह सारिया जमात करनी चाहिए ताकि आवाम की कोई भलाई हो सके। अजे इतने हर रोज फतेह वास्ते आ सकते, अज साडे वास्ते महंगाई वास्ते नहीं आ सकते। ये देखा जावे तो सैदा शरीफ के हालात बड़े खराब ने। हाँ, गैस को नहीं, उस समय बिजली का निजाम बड़ा खराब है, उस पीछे सड़कों का बड़ा निजाम खराब है। तुसी इस बारे की आखना चाहते सैदा शरीफ की आवाम वास्ते? सैदा शरीफ की आवाम वास्ते यही पर साडी अपील है कि बाहर निकलो, इत्तेजाज करो, ताकि अपने हकूक मंगो, इन्हां कोलो करनो वोट मंगण आंदे नहीं, इन्हां अपने हकूक दसो। साडे अज साडे हुकमरान साडे एमपी एमएनए किथे ने? आवाम पिस रही है, कोई आज तक ना साडे कोल कोई एमपी आया, कोई चेयरमैन आया स्वयं जमात इस्लामी तो। जमात इस्लामी सलाब चो मदद की, जमात इस्लामी कोरोना च मदद की, जमात इस्लामी ईद उत्ते मदद करती गरीबां दी, अज सब तो अगे जमात इस्लामी है। कोई साडा एमपी नहीं, अज जमात इस्लामी दा बड़ा वड्डा कदम है, बड़ा वड्डा कदम है। कोई साडा किस पिंड विच नहीं एहतजाज, होर भी तकरीबन 10-15 पिंड सारे जगह एहतजाज है। ए जमात इस्लामी कर इस गरीब आवाम नाल जमात इस्लामी खलो गई है। जमात इस्लामी हर जगह ते खलोंदी है, हर मुश्किल ते जमात इस्लामी आउंदी है। साडे एमपी एमएनए क्यों नहीं आउंदे इस काम वास्ते? क्योंकि उन्होंने मुलव्वस ने इस काम चो। जमात इस्लामी क्लियर जमात है, जमात इस्लामी का हर बंदे साथ देवे, आवाम आए जमात इस्लामी ने कदम लाके चले, इंशाल्लाह इहदा कोई ना कोई हल जमात इस्लामी कढ़ दे। ते बिजली दे बिलां दे खिलाफ एहतजाज हो रहा है, उस पिछे तुसी पेट्रोल दे खिलाफ भी एहतजाज कर रहे हो। जी जी, बिजली दे बिलां दे बारे तुहाडी की राय? बिजली दे बिल तो बहुत ज्यादा ने, आईएमएफ जिन्हां ने ओ खुद कहंदी है कि असीं अमीरां दे सबसिडी खत्म कीती है, इन्हां ने गरीबां दे कर दित्ती है। ते गरीब दा जिन्ना मुहाल है इस टाइम, स्वयं जमात इस्लामी तो होर कोई हल नहीं। जमात इस्लामी तो बिना कोई भी ना कोई कोई निकल नहीं रहा। तुम पूरे पाकिस्तान च देख लो, कोई नून, कोई पीटीआई, कोई किसी किस्म का बंदा जमात इस्लामी तो बगैर बाहर निकलिया तो गल करो, लेकिन नहीं निकलते। कल नो इस तरह अगर वोट मंगन आते हैं कोई जमात भी, तुम दसो अगर जमात इस्लामी साड़ी हर जगह मदद करती है, वोट भी होंगे। देखा जाए तो सलाब विच भी जमात इस्लामी खड़ी नाल होती है, ईद उत्ते गरीबां दे हर जगह ते जमात इस्लामी मदद, अज भी जमात इस्लामी सब तो अगे, अज जेरे निगरानी जमात इस्लामी दे इत्तेजाज। इस वास्ते जमात इस्लामी दा बिल्कुल क्लियर जमात है, जमात इस्लामी गरीब दी हर जगह ते मदद कीती है। अज भी जमात इस्लामी बिलां ते भी पेट्रोल ते भी गरीब दा जीना मुहाल है, जमात इस्लामी सब तो अगे। तुहाडा एक ही नारा है, जमात इस्लामी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, की नाम है तुम्हारा? जी मोहम्मद आजम मेरा नाम है। मोहम्मद आजम साहब, तुसी जमात इस्लामी दे मेंबर भी हो, तन की सही होना है कि जेडी सईदे दी आवाम है या जेडी दूजी आवाम है, ए महंगाई दे खिलाफ क्यों नहीं निकल रहे? PP67 जेड़ा है ना, पूरा PP67 इस वक्त बंद है। अच्छा, और मैं ताजरा नु खराज तहसीन पेश करांगा, और आवाम भी जेड़े के साडे नाल तावन कर रहे ने और अपनी आवाज भरपूर तरीके नाल नुमाइंदे और अपने नु पहुंचा रहे ने। और इस मुल्क दे विच यही है कि असं पूरा मन तरीके एहतजाज करिए, लेकिन मेरी ये अपील होएगी आवाम तो कि वह किसी किस्म के तशद्दुद मुलव्वस ना होण, क्योंकि अपनी अमलाक नूं नुकसान असां नहीं पहुँचाना। असां सिर्फ हुकमरानां नूं पैगाम देना कि भई ये जीण दिओ, इन्हां नूं ये आवाम है, इन्हां नूं जीण दा हक है। अल्लाह ताला ने इन्हां नूं आज़ाद पैदा किया, तुसीं IMF दी चुंगल च इन्हां नूं दे दित्ता, और असीं ये चाहते हाँ कि जमात इस्लामी जदों आएगी
इंशाल्लाह ताला जुल्म नूं खत्म करेगी, गरीबां नूं बिल्कुल जिहड़ा है वह सबसिडाइज चीज़ां दित्तियां जाणगियां, और जिहड़ी बिजली है उस तो बाद तुहाडे पेट्रोलियम दी मसनूआत ने उन्हां च आए दिन इजाफा हर 15 दिन तो बाद 15 दिन तो पेट्रोल वधदा पिआ। गरीब आवाम नूं मरने वाला प्लान उन्हें कर लिया क्योंकि हर 15 दिन बाद 15-20 रुपये पेट्रोल का वधदा, हुण पेट्रोल की कीमत 300-700 रुपये हो गई। की लगता है कि जमात इस्लामी आके पेट्रोल हर चीज सस्ती करे दी? मेरे भाई साढ़े को फूल प्रूफ निजाम है, उस इस पाकिस्तान का एक इलाज है, वो एक करप्शन खत्म करते हो इतने इतने जड़े जे करप्शन साडा सब तो वड्डा जड़ी बीमारी इस मुल्क नूं लगी है वो करप्शन है। साडे हुकमराना ने मुल्क लुट के खा छड़िया, इन्होंने बैरूने मुल्क अपन जायदादा बना लिया ने, कोई भी पार्टी तुसी वेख लो 76 साल तो ये लोग मुसलत ने। जमात इस्लामी आएगी करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएगी, इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, और जुल्म का निजाम खत्म करांगे इंशाल्लाह ताला, अदल का निजाम लेके आवांगे, और इसका और कोई हल ही नहीं, किसी को कोई हल नहीं, सिराजुल हक साहब ने बिल्कुल अवामी आदमी ने, उन्होंने कोई मसला नहीं है, चप्पल आम किस्म की पाते ने, सलवार कमीज पाते ने, उन्होंने अपनी गड्डी कोई नहीं और उन्होंने जरूरत भी कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त जमात इस्लामी दे कारकुनां लैके, कोरोना होवे, सैलाब होवे, जलजला होवे, किसी भी जगह तुसी देख लो उन्होंने, वो हर वक्त आवाम दिन मेहनती कर रहे हैं और दिन रात इस आवाम वास्ते, और आवाम जिहड़े ने इक्तदार दे आवाना विच इस आवाम की आवाज पहुंचा रहे हैं। हुण भी साडा हुकूमत तो मुतालबा है कि यह जिहड़ी बिजली तुसां इतनी महंगी कर छड़ी है, तुसी निगरान हो, तुहाडा काम इंतखाबात करवाउणा है, इलैक्शन कराओ, तुर जाओ, और ये जो इकतदार है आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हवाले कर दो, और तुहानू कोई हक हासिल नहीं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत इजाफा करो, तुसा गरीब का जीना मुहाल कर दिता, इतने तुसी वजीर बना लेने, उन्होंने झंडे ला लेने, उन्होंने कोई परवाह ही नहीं, वो हैं कितने भैया आवाम फिर उन्होंने आवाम में नहीं नजर आ रहे क्योंकि वो लोग आवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, क्योंकि निगरान हुकूमत चाहिए 3 महीने में वोट कराने चाहिए। देखो ना निगरान आए ने किस वास्ते, इलेक्शन करवाने वास्ते, हुण उन्होंने कोई खाब ख्याल ही नहीं इलेक्शन का, वह हर रोज़ जो हर 15 दिन तो बाद बता देंगे बिजली बता देंगे ने, उस तो बाद पेट्रोलियम गैस हर चीज़ उन्होंने महंगी कर दी, आवाम जी इस वक्त खुदकुशियां से मजबूर है, आवाम इस वक्त मुश्तैल है, और हुक्मराना साढ़े वार्निंग है कि अगर उन्होंने होश के नाख ना लाए और इन्होंने रिलीफ ना दिता तो ये आवाम जड़े ने उन्होंने इकतदार के आवाना में पहुँचे और उन्होंने हुक्मराना का गिरबान होगा, आवाम के हाथ हो गए, और इस वक्त तो बचने वास्ते साडा मुतालबा है कि कम अज कम जड़ा जी बिजली हूँ जो इजाफे किए ने वापस लवो, बिजली के बिल के उत्ते जितने गैर जरूरी टैक्स और जालमाना टैक्स ने यह सारे के सारे खत्म करो, बिजली की कीमत साढ़े को लवो, और इस तरह पेट्रोलियम है, पेट्रोल दिन जड़िया ने जो सबका कीमत है 250 रुपया उस उत्ते वापस जाओ, इलेक्शन करो, घर जाओ। इतनी महंगाई के होने के बावजूद आवाम को की पैगाम देना चाहते? अस आवाम को कहेंगे कि भाई मुश्किल होकर सरकारी इमलाक अपने इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाना, इस मुल्क साढ़ा है, पुरमन तरीके एहतजाज करना है और अपनी आवाज असा इंशाल्लाह हुक्मराना तक पहुँचानी है, और हुक्मरान जड़े ने यह जरूर साड़ी आवाज सुनेंगे, जमात इस्लामी ने नाल खड़ी है, जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसकी क़यादत भी बेदाग है, जिसका माजी बेदाग है, इस वास्ते असं जो खड़े हो गए हाँ तो हूँ इंशाल्लाह ताला तुहाडी आवाज हुक्मराना नूं सुननी पवेगी, और उन्होंने बिजली भी सस्ती करनी पवेगी और उन्होंने पेट्रोल भी सस्ता करना पवेगा। जमात इस्लामी के मैंबर हो, तुम वेख रहे हो कि अज शहीदा शरीफ की आवाम भी जी महंगाई के खिलाफ नहीं गई, तुम शहीदा शरीफ की आवाम ने और मुल्क पाकिस्तान की आवाम को की पैगाम देना चाहते हैं? पहली गल तो कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि सहायता जो लोग ने ताजर उन्होंने अब अडाल भरपूर जमात इस्लामी के लोगों का साथ दिता, और भैया जाम अडाल भी जो ट्रांसपोर्टर ने उन्होंने रोल प्ले किया, उन्होंने शुक्रगुजार हाँ, और सोशल मीडिया सहायता शरीफ की जी उसने अपना सारा रोल इतने अदा किया और लोगों तक अवेयरनैस पहुँचाने तो बाद अब अडाल कामयाब हुई, और साडा यह पैगाम है कि जो बिजली के इतनी महंगाई और डीजल है अगर इस तरह के बोझ अगर आवाम से इस तरह डाले गया तो इंशाल्लाह असी इन्हों का गिरबान पकड़ के भी नहीं छड़ा दे, अगर
इन्हें बिजली के मीटर साढ़े कटे साड़ी प्रॉपर्टी है असी इन्हों का जो जो हाल चो भी असि निपटाते और हर हाल चो कामयाब करवा के छा जाए और बिजली का मीटर कोई बंदा ला नहीं सकते क्यों दाटी मलकीयत है ये बारे की आवाम लाने को अगर मीटर कोई लाण आ मीटर लाण दो कि ना लाण दो अगर कोई बिजली का मीटर कट्टण आता है प्रॉपर्टी है जी साड़ी असि नहीं कट्टण देंगे अगर कोई किसी का कोई कटता है तो साडे नाल राबता करे एक सैकंड च असीं उहदा मसला हल करांगे जमात इस्लामी दा भी नारा है कि पुर अमन एहतजाज किसी बंदे ने कोई इन्हें तो नुकसान ना हो जहरी बात है साडा मुल्क है और इहदी प्रॉपर्टी साडी है असीं चाहुंदे आ कि पुर अमन तरीके नाल हुक्मरान जिहड़े जालम ने इन्हां तो जान छुड़वाई जाए असीं इह पुर अमन एहतजाज की रिक्वेस्ट की और सिराज अलहक साहब ने अज कल की और पूरा मुल्क और रेलवे और ट्रांसपोर्ट सारिया जगह से और फालिया और मंडी बहुद्दीन और मलकवाल बड़ी बड़ी रैलियां और एहतजाज ने और असी सैदा शरीफ की आवाम के बड़े शुक्र गुजार हाँ कि जिन्होंने इतने एहतजाज हड़ताल की और एहतजाजी रैली के शामिल है अगर कल नो जमात इस्लामी की हुकूमत आँदी मुल्क पाकिस्तान जमात इस्लामी इस मुल्क पाकिस्तान की जी आवाम है उनके पास की रलीफ दे जमात इस्लामी की हुकूमत ना भी आए वो चौबी घंटे इन्होंने वास्ते रिलीफ वास्ते काम करती है अगर हुकूमत आए तो एक छे महीने के अंदर अंदर ये मुल्क जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होगा इतने सारिया सहूलत मौजूद ने दुनिया की हर सहूलत मिल सकती उस तो हट के भी जमात इस्लामी ने ढेर सारे इकदाम इस आवाम वास्ते सलाब आ जाए करोना आ जाए उस पिछे कोई जलजला आ जाए इन भी जमात इस्लामी खुल के आवाम की मदद कर दी है जहरी बात है जमात इस्लामी इस मुल्क वास्ते काम करती है और इन आवाम वास्ते मुसलमान साढ़े भाई किसी ने दुख और दर्द और तकलीफ होवे असी उहदे विच हिस्सा दार होने असी उहदी जितनी मदद हो सके असी उहदे विच मदद करने और उन्हां दा हाथ बिठाने इंशाल्लाह और वो साढ़े नाल ने इस टाइम साढ़े नाल खड़े ने ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਤੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਗਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਅੱਛਾ ਬਿਜਲੀ ਡਰੈਕ ਲਾ ਲਈ ਇਹਨੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ महंगाई के बारे पेट्रोल 250 रुपये लीटर होना चाहिए गंदम जी तकरीबन 8000 रुपये होनी चाहिए बाकी डीजल है वो 250 रुपये होना चाहिए और दुनिया जी आवाम जी ये खुदकशी करने तैयार है और साढ़े खास करके सईदा शरीफ के जगह जगह टैक्स बहुत जबरदस्ती के नाल लिया जा रहा है और ये भी कंट्रोल होना चाहिए और गुंडागर्दी डाका इन गुरू जी और मतलब है कि सईदे में जगह टैक्स भी चल रहे हैं अगर मैं नहीं दिंदा दूसरा फोन आ जाता है मैं इस बंदे 5000 रुपया दो तुसी अपना सिर छुड़ाओ जी मतलब अगर 4000 ना जगह टैक्स चल रहा है और गुंडागर्दी हो रही है और चोरी डकैती सरेआम हो रही है महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है और असी जमात इस्लामी के साथ हैं जमात इस्लामी हमारी है और इंशाल्लाह जिला मंडी बहाउद्दीन में जमात इस्लामी कामयाब होगी मतलब है कि जमात इस्लामी की हुकूमत इंशाल्लाह पाकिस्तान बहाउद्दीन में भी आवेगी पाकिस्तान से भी आवेगी सैदा की आवाम को यह सोचना चाहिए अज मुश्किल हालत है कि एम पी एमएलए चेयरमैन नहीं आ सकते कोई खैर खाए नहीं है सिर्फ वह जमात जमात इस्लामी जी खैर फायदे फायदेबाद कदम चुक रही है कितने डाटे एम पी कितने डाटे एमएलए कितने डाटे चेयरमैन क्यों नहीं आई आवाम के नाल इलाज वास्ते आ रहा है आना चाहिए सी लेकिन नहीं आते क्योंकि उन्होंने खुद फायदे उठाने हैं
जमात इस्लामी शुक्र गुजार हाँ जिन्हें सईदा शरीफ की आवाम जगाई है। सईदा शरीफ की आवाम बाहर कड़ी एक महंगाई के खिलाफ एहतजाज करो और यह जमात इस्लामी के सिर सिर आ जाता है जी सईदा शरीफ की आवाम और पूरे पाकिस्तान में जगाया ना। अज एक पिंड नहीं एहतजाज हो रहा, तकरीबन 10-15 पिंड शहर एहतजाज हो रहा है। यह सिरा पूरे पाकिस्तान भी एहतजाज हो रहा है, सिरा जमात इस्लामी के सिर जाता है। असं शुक्र गुजार हाँ जमात इस्लामी जी बाहर निकली है, गरीब आवाम के नाल खलोती है। हूँ मैंने इजाजत दो, हूँ मैंने इजाजत दो एक नई वीडियो तक। अल्लाह ने के बाद।